जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JITM Tech में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख के आए होंगे कि हमारा उष्मा और तापमान का टॉपिक चल रहा है, उसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक चीजें पढ़ा रहे हैं, तो उसी का थर्ड लेक्चर है। और उसमें इस लेक्चर में हम बताने वाले हैं कि उष्मा संचरण की विधि, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, मतलब उष्मा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या उष्मा कैसे ट्रेवल करती हैं, उसकी कितनी विधियां हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्क्राइब करेंगे। अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत छोटे में बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, छोटी छोटी वीडियोज हैं, ढेर सारे मैटर हैं और मैक्सिमम चीज़ें हम कवर ही कर ले रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पहला क्या है, चालन। चालन क्या है, जो उष्मा संचरण की विधियां हैं, पहला चालन है, दूसरा संवहन है और तीसरा विकरण, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं पहले वाले को, चालन को। ठीक, तो ध्यान से समझिए, चालन जो होता है उसमें जैसे उष्मा जो है किसी बॉडी में ही ट्रेवल करती है। ठीक, उसके लिए कोई ना कोई चीजें होती हैं जिसमें ट्रेवल करने के लिए हम उसको दिखा सकते हैं। ट्रेवल तो बिना बॉडी के निर्वात में भी करती है, लेकिन जो चालन है उसको उस विधि में, इस विधि में जो उष्मा होती है, जो हीट होती है, वो क्या करती है, वो अणु, अणु जो है उसमें क्या करते हैं, किसी भी बॉडी में, ये सॉलिड में होती है और उसमें अणु स्थिर होते हैं। क्या होते हैं अणु स्थिर, मतलब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, मतलब वो अपना स्थान नहीं बदलते। ठीक, इसमें उष्मा संचरण अणु स्थिर रहते हैं, तो अणु स्थिर है तो करते क्या है उष्मा, जैसे हमने क्या किया, हमने क्या किया, ये देखो एक तो हम क्या किए हैं, रॉड बना दिए हैं, कोई भी सॉलिड मेटल का क्या है, ये रॉड है। ठीक, ये रॉड है और हम क्या कर रहे हैं, यहां से हमने क्या किया, इसको हीट दे दिया, मतलब यहां से आग जला दिए। और ठीक, और ये पोर्शन ये गर्म हो रहा है। ठीक, अब ये पोर्शन जब गर्म हो रहा है, इस पर इधर तो है ही नहीं गर्म, लेकिन हम देखते हैं कुछ देर बाद यहां से, ये अगर मेटल का है, मतलब किसी धातु का है, जैसे लोहे का होता है, आप लोग बेसिकली देखें तो यहां हम गर्म करते हैं और बाद में हमको यहां गर्मी कुछ देर बाद फील होती है, मतलब कि उष्मा इधर से इधर चली, इधर हॉट रीजन है और इधर ठंडा है। ठीक, तो जब हम यहां टच करते हैं तो कुछ देर बाद हमको हीट इधर से उधर जाती हुई दिखती है, तो ये पोर्शन कम, ये ज्यादा, अब कुछ समय बाद सारी चीजें एक समान गर्म हो जाती। तो कारण क्या है, किस कारण से गई, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये तो बंधे होते हैं, सॉलिड में बंधे होते हैं, और बंधे होते हैं और बंधने के कारण ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, ये वाला इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा, इसमें एनर्जी इसी धक्के के कारण, इसी वाइब्रेशन के कारण ये क्या होते हैं, जब वाइब्रेशन होते हैं तो इनके धक्का लगता है और ये गर्म होते हैं, तो एक दूसरे को ये हीट यहां से यहां संचरण हो गई। हमको समझ में आ रहा है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक, और जो चालन होता है हमने पहले ही बता दिया कि ये ठोसों में होता है, केवल ठोस में होता है, लिक्विड गैस में नहीं होता। पदार्थ की तीन अवस्थाएं बेसिकली पढ़ते हैं हम, प्लाज्मा भी पढ़ते हैं लेकिन वो अलग बात है। ठीक, तो ये बेसिकली चालन किसमें होता है, ठोस में, क्योंकि इसमें अणु फिक्स होते हैं और ये बहुत स्लो होता है, कुछ देर बाद, क्षण जैसे हम लगाए कुछ देर बाद, काफी देर बाद वो दूसरे सिरे में हीट होती है। तभी तो हम क्या करते हैं, जो लोहे के सांड से यूज कर लेते हैं और सांप वगैरह में, और बहुत सारी चीजें होती है जो तुरंत पकड़ने पर तुरंत ही, किनारे वाला हीट नहीं होता, कुछ देर बाद हीट होता है। चलिए, और ये एग्जाम्पल से हमने समझा दिया है, और इससे एग्जाम्पल और है कि जैसे चालन, चालन किसमें अधिक होता है, लोहे में अधिक होता है, लकड़ी में कम होता है, क्यों, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, किसी में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, किसी में नहीं मुक्त होते, तो उसी प्रॉपर्टी के कारण, अब कुछ डेंसिटी का डिफरेंस होता है, कई चीजें होती है, तो लोहे में जिसमें चालन अधिक उसमें उष्मा का संचरण ज्यादा। मेरा कहने का मतलब है, मिट्टी के बर्तन कम जल्दी गर्म होता है, स्टील वाला तुरंत गर्म हो जाता है। ठीक, तो जैसे केतली में लेके पी रहे हैं, सॉरी कप में लेके पी रहे हैं, चीनी मिट्टी का आता है, चाइना क्ले जिसको बोलते हैं, और हम स्टील की गिलास ले तो चाइना क्ले में हमारी आसानी से मुंह नहीं जलता, तो उसमें क्या होता है, चालन नहीं होता, वो गर्म नहीं होता किनारों पर, तो हम पी लेते हैं, तो जिसमें चालन अधिक होगा उसमें उष्मा संचरण का ज्यादा होगी, तो मतलब चालन
जिसमें ज्यादा होगी तो उसमें उष्मा संचरण ज्यादा होगी। और अगले टॉपिक पे हम आते हैं, किसी दूसरी जो विधि है उष्मा संचरण की, वो होती है संवहन, जिसको बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए, ये जो होता है ये फ्लूड में होता है। फ्लूड का मतलब होता है जो चीजें बह सकती, जो चीजें बहेंगी, जो चीजें बहेंगी वो होते फ्लूड, जिसमें बहाव होता है। तो बहाव किसमें होता है, लिक्विड में होता है, लिक्विड में होता है, और किसमें होता है, लिक्विड में होता है और होता है गैस में। हवा बहती है, हवा में गैस है ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दुनिया भर की, तो मतलब हवा भी बहती है और पानी भी बहता है, पानी लिक्विड है, पेट्रोल डीजल सब लिक्विड है। तो लिक्विड ये मतलब फ्लूड में ये क्या होता है, संवहन उष्मा संचरण। तो द्रव अवस्था, द्रव बोले और गैस बोले, दोनों क्या होता है, उष्मा का संचरण होता है, क्योंकि ये बहता है। और उष्मा संचरण जो होता है इसमें चालन से ज्यादा तेज होता है, इसमें चालन में सबसे स्लो उष्मा संचरण होता है, उसके बाद संवहन में होता है। ठीक, तो इसमें कैसे होता है, इसका क्या फिनोमिना है, इसकी फिलॉसफी क्या है, कि होता क्या है, जैसे हम यहाँ नीचे है, हमने क्या किया, एक तो बर्नर लगा दिया, ये हीट, हीट मतलब आग जल रही है, नीचे आग जल रही है, तो यहाँ ये इस बर्तन में हमने मान लीजिए पानी रखा है, ठीक, यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, ठीक। अब ये गर्म होते हैं, गर्म होते हैं तो कोई चीज गर्म होती तो हल्की होती, आप लोग पढ़े होंगे, उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है, जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो हल्की हो जाती, तो जब चीजें गर्म होती उसमें एनर्जी आ जाती है, हल्की हो जाती है, तो ये क्या करता है, ये मॉलिक्यूल्स ऊपर भागता है, क्या करता है, ये मॉलिक्यूल्स ऊपर भागता है। और जब ये ऊपर भाग जाएगा तो इसका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त। यहाँ नीचे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ऊपर भागेंगे और इनका स्थान हो जाएगा रिक्त, और जब स्थान खाली हो जाएगा तो ऊपर वाले नीचे आएंगे, ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स क्या है, ऊपर जस्ट जिसके ऊपर है वो पहले नीचे आ जाएगा, वो भी गर्म होगा वो भी ऊपर जाएगा। ऐसे ऐसे क्या करते हैं कि नीचे से ऊपर, गर्म जो होता है ऊपर जाता है, जो ठंडा रहता है नीचे आता है, जो गर्म होता है फिर ऊपर जाता है, जो ठंडा रहता है वो नीचे आता है। तो यही इसमें फिलॉसफी है कि हीट इसमें अणुओं के मोशन के कारण होती है। देखो अणु के स्थानांतरण के कारण इसमें क्या होता है, उष्मा का संचरण होता है, मतलब हीट फ्लो होती है। ठीक, बात समझ में आ रही है, बहुत ज्यादा समझने की सिंपल सी बात है। ठीक, तो ये होता है। अब कभी कभी आता है, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे हमारे ये तालाब है, ठीक, इसमें पानी है, ठीक, पानी है। अब तालाब में पानी है और ये ऊपर का लेयर है, मान लो तालाब का पानी का, समझिए ध्यान से, और यहाँ सूरज भगवान है, क्या है, सन। अब ये सन क्या कर रहे हैं, इनको हीट दे रहे हैं, ये ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, बात समझिए। अब ये तालाब ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, तो अब ये गर्म हुए, हल्के हुए, तो हल्के जब होंगे तो ऊपर जाएंगे, अब ऊपर कहां जाएंगे, या तो ये छोड़ देंगे तालाब को, मतलब वेपराइज हो जाएंगे, या तो गर्म होकर वहीं रहेंगे। तो इसमें इस स्थिति में क्या होता है, जब हीट ऊपर से किसी भी लिक्विड में पड़ती है, तो जैसे अब ये लिक्विड तालाब का पानी है, ठीक, तो ये क्या करेगा, इसमें अब ये नीचे वाले को भी हल्का गर्म करेगा, फिर इसके मॉलिक्यूल हल्का नीचे वाले को गर्म करेंगे, तो कुछ लेयर तक गर्म रहता है। तो तालाब में कोई नहाया हो, नहीं नहाया तो समझ लीजिए कि गर्मी के दिनों में उसके ऊपर का ही जल गर्म होता है, ऐसा नहीं पूरा पानी गर्म हो जाता है, ऊपर की कुछ लेयर गर्म होती है, नीचे ठंडा रहता है। तो इस कंडीशन में जब ऊपर सन चमक रहा है, सन हीट दे रहा है, तो ये इसमें हीट का जो संचरण होगा, उसमें जो ट्रांसफर होगी वो कंडक्शन के कारण होगी, मतलब चालन, ठीक, ऐसा होता है इसमें। बस इसी ध्यान रखिए, बस बेसिक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, जब मॉलिक्यूल मोशन ही नहीं कर रहे हैं, अब ऊपर जाना था, ये गर्म हो गया तो छोड़ देंगे, ऊपर जाना मतलब सबसे ऊपर तो है ही, कहां जाएंगे, वहीं रहेंगे, तो जब मोशन ही नहीं होगा तो अपने वाइब्रेशन से ही नीचे वाले को गर्मी देंगे अपनी गर्मी से। तो जब वो हर मॉलिक्यूल फिक्स है तो मोशन नहीं हुआ, तो हीट ट्रांसफर की विधि कौन सी होती है, वो चालन होती है, ठीक। चलिए, अब उसमें ये संवहन क्या, कुछ एग्जांपल है, जैसे पानी को गर्म करना, ये देखो हम पानी ने गर्म किया, सॉरी पानी को गर्म किया नीचे केतली में रख के और नीचे बर्नर जला के, चाय बनाना, गैस को गर्म करना, गैस कोई कहीं भी गैस भरी है उसमें क्या हीट देंगे, किसी तरह से वो गर्म होंगे, इसके मॉलिक्यूल्स चारों तरफ घूमेंगे, गर्म वाले भाग जाएंगे और फिर ठंडे वाले टच में आएंगे गर्मी, फिर वो गर्म होकर भागेंगे, ऐसा होता है। वही बात सेम कंडीशन इसमें भी होती है। अब ये लास्ट वाला समझिए, विकिरण,
और ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी चीज है। विकिरण जो होता है उसको इंग्लिश में रेडिएशन बोलते हैं। उसमें जो ऊष्मा का संचरण होता है इसको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नो मीडियम मतलब निर्वात में। कैसे, ये बात कैसे समझ में आएगी? अब जब ध्यान से समझिए, ये हमारा सन है और सन है हमारा, ये सन है, ये अर्थ है, ठीक। अब अर्थ में कुछ दूर तक क्या है, लेयर है, काय का लेयर है, एटमॉस्फेयर का, मतलब गैसें हैं कुछ दूर तक अर्थ में, और ये सन है, ठीक। कुछ दूर तक एटमॉस्फेयर है, मान लो यहां तक ये अर्थ है हमारा, तो अब यहां तक तो मीडियम है, लेकिन बीच में कोई मीडियम नहीं है, खाली है, कोई गैस नहीं, कोई सॉलिड नहीं, कोई लिक्विड नहीं, लेकिन तब भी सूर्य हमारे अर्थ को गर्मी दे रहा है, इसमें उसमें उष्मा आ रही है। तो वो आने की, वो जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती उसको बोलते हैं रेडिएशन, विकिरण। फिर होता क्या उसमें, तो उष्मा जो है जो सनलाइट आती है उसमें, वो बंडल के रूप में, ऊर्जा पैकेट्स के रूप में आती है, ठीक। वो बात की फिलॉसफी है, इतना समझना नहीं। सन से हीट आती है किसके कारण, रेडिएशन के कारण। देखिए यहाँ सन बनाया हमने और ये इंसान है, पेड़ है, सबको गर्मी मिल रही है, बीच में कोई माध्यम नहीं था लेकिन हीट आई, ठीक। जैसे होता है कभी कभी आदमी होता है और अलाव जला दिया, ठीक। अलाव जला के यहाँ चार पांच लोग बैठे रहते हैं चारों तरफ, और क्या करते हैं, ऐसे हाथ से आग सेकते रहते हैं, तो उसमें भी हीट हवा है, लेकिन ज्यादातर हीट उनको विकिरण रेडिएशन से मिलती है, ठीक। तो जिसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती उसमें जो हीट होती है वो रेडिएशन से मिलती है, ठीक। जैसे सूर्य से उष्मा, अलाव और आदमी, उष्मा संचरण की ये सबसे तीव्र विधि है, इसमें हीट सबसे तेजी से ट्रांसफर होती है, ठीक। ये छोटी सी टॉपिक थी, बहुत छोटी छोटी चीजें थी जो समझना था आपको, हम समझा दिए हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इसमें कई चीजें हैं, लॉ वगैरह है, थर्मोडायनेमिक्स लॉ है, न्यूटन्स कूलिंग लॉ है, तो ये सारी चीजें हम बताएंगे आगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। और इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद।